गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने ही चलनसार टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए यूट्यूब चैनल जो अपने ही मोबाइल से जो भी मोबाइल आप एंड्रॉइड सेट यूज कर रहे हैं उससे कैसे बना सकते हैं, उसके बाद जो आप उसमें वीडियोज कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब जरूरी है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए और उसके बाद जो है उसमें आप वीडियोज अपलोड करिए और उसके बाद आप पैसे कमाइए। लेकिन बात यह आती है कि यूट्यूब चैनल बनाए कैसे, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा पूरा। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर जीमेल आईडी एंड्रॉइड फोन है, अगर जीमेल आईडी है तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। और मे भी हर किसी के पास जीमेल आईडी तो होगी, हर किसी के पास, अगर नहीं है आपके पास, अगर नहीं जानते जीमेल आईडी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा किस तरीके से कर सकते हैं, जीमेल आईडी बना सकते हैं मतलब। फिर चलिए अब बात होती है कि अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो अगर आपके पास एंड्रॉइड सेट है, कोई भी एंड्रॉइड सेट है, जैसे कि आजकल जो वीवो ओप्पो एम आई इसके जो इसका जो कैमराज वगैरह है जो है काफी अच्छे 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 कैमरे आते हैं, तो आप मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं। अगर फेस कैम नहीं बना सकते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही बना करके कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल है यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे जो है यही पैसे, मतलब जो सिर्फ फेस कैम नहीं करते, स्क्रीन रिकॉर्ड करते, लेकिन उसकी कमाई बहुत ज्यादा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो आप भी चैनल बना करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर पूरी वीडियो वॉच करिए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और यूट्यूब का हर लेटेस्ट अपडेट जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और उसे अप्लाई करेंगे फिर आपका चैनल ग्रो होगा। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको एक YouTube चैनल बनाने के लिए आपके पास जीमेल आईडी होना ज़रूरी है और ये कंपलसरी है, विदाउट आप जीमेल आईडी जो है आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप चैनल नहीं बना सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास जीमेल आईडी है, तो चलिए जल्दी से मैं ओपन कर लेता हूं YouTube को, जो आपके पास YouTube एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लीजिए। मैं उसे ओपन कर लेता हूं और पूरा प्रोसेस फिर मैं आपको यहीं पर बताता हूं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे YouTube पे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो ये मेरा असल चैनल खुला हुआ है तो मैं इसे लॉग आउट करके दूसरा खोल के मैं बता देता हूँ। तो फाइनली हमने वो YouTube जो है खोल लिया, मतलब वो जीमेल आईडी जो होना ज़रूरी है, मतलब जिससे मुझे अकाउंट बनाना है। तो आज एग्जांपल तौर पे आप अगर खोले होंगे तो आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप राइट कॉर्नर में टॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे जो W लिखा हुआ है, ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि वेब के नाम से मेरी जो क्या कहते हैं जो जीमेल आईडी वेब के नाम से सिम यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास जो जीमेल आईडी होगी वही चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलेगा, तो वो चीज़ को क्या करना है आपको सिंपली यहाँ से राइट में टॉप पे जो है चाहे कुछ भी लिखा हो ना भी लिखा हो इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे योर चैनल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ उस पे भी। जैसे करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा फर्स्ट में क्या नाम रखना चाहते हैं, फिर सेकेंड में क्या रखना चाहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल तौर पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कोई नाम डाल देता हूँ, जैसे टेक्निकल लिख दिया और लास्ट में मैं डाल लेता हूँ फास्ट, टेक्निकल फास्ट, मैं कुछ भी एग्जांपल तो मैं लिख देता हूँ, आपको जो भी इच्छा हो वो लिख लीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ये लिख देंगे चैनल का नाम, तो उसके बाद क्रिएट चैनल, अगर आप अपना नाम ही लिखना चाहते हैं तो नाम ही लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट चैनल का जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये कन्फर्म हो जाएगा। तो ये देखिए आपका चैनल जो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए वेब कोर्स जहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई का सब्सक्राइबर है नहीं अभी, कुछ भी नहीं, इसी वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, मैं आपको पूरा सेटिंग करके मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि मेरा चैनल जो क्रिएट हो चुका है, जैसे जाके देखेंगे फिर योर चैनल में जाके तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम आपको सेटिंग में ले चल के कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ, जो सेटिंग यहीं पर दिखने को मिल रही है इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो चैनल का नाम देख सकते हैं टेक्निकल फास्ट के नाम से, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए आती है, ये ज़रूरत नहीं है लिखने की। फिर बात आती है आगे चल के प्राइवेसी, तो यहाँ प्राइवेसी में देख सकते हैं कीप ऑल माय लाइक वीडियोज़ प्राइवेट, तो आपकी इच्छा से प्राइवेट रखना चाहते तो रखिए, जैसे देख सकते हैं प्राइवेट रखना चाहते तो रखिए, नहीं रखना चाहते नहीं रखिए। ये चीज़ वो है कि आप जैसे वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करते हैं, वही चीज़ को है, तो आपकी इच्छा, चलिए लाइक करिए, हाइड करिए ना करिए। फिर आगे चल के बात आती है कि कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, तो ये चीज़ें, ये भी चीज़ आपकी इच्छा में, आप चाहते रखिए तो ना रखिए, मतलब ऑन रखना चाहते रखिए, नहीं रखना चाहते ना रखिए। फिर आगे चल के बात आती है कीप ऑल माई सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट, तो इसको क्या करना होगा कि इसको आप कभी भी ऑफ ना करिएगा, कभी भी
आप इसे ऑन ही रखिएगा। ये ऊपर दो ऊपर के जो दोनों हैं तो इसमें आपकी चाप चाहते तो रखिए, नहीं रखना चाहते नहीं रखिए। तो अब मैं चाहता हूँ इसे रखना, और ये तो लास्ट वाला है जिसको कंपलसरी रखना, तो आप इसको रखना ही पड़ेगा इसे। फिर आगे चलिए, अब ये सारी चीज़ें हुई, अब आगे चल के हम बात कर लेते हैं अगर नाम आप चेंज करना चाहते हैं फिर से, अगर आपको नाम पसंद नहीं आया टेक्निकल फास्ट जैसे, तो ये जो पेंसिल का चिन्ह जो है, ये पेंसिल का चिन्ह इस पर क्लिक करना है। जैसे जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ऑप्शन आ जाएगा चेंज करने का, आप चेंज कर लीजिए। तो मुझे यही रहने देना है, यही रहने देते हैं। उसके बाद चलिए हम एक वीडियोज़ अपलोड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर मैं आपको दिखाऊँगा भी सारा कुछ। तो चलिए मैं ये सिंपली आ गया हूँ होम पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियोज़ का जो ऑप्शन बना हुआ है डब्बा का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, चलिए मैं देख लेता हूँ, ये रिकॉर्ड गो लाइव। तो मेरे पास एक वीडियोज़ पड़ी है, जैसे ये वाली वीडियो है कॉमेडी वीडियो है, मैं इससे डाल देता हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ है तो जल्दी अपलोड हो जाएगी, मुझे आपको दिखाना भी है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको जो यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करने में आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइटल लिखने के लिए, कि मतलब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, कैसी वीडियो है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ कि टिकटॉक फनी वीडियो, आप कुछ भी डाल सकते हैं आपकी इच्छा। फिर आगे चल के डिस्क्रिप्शन की बात आती है, डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं आपकी इच्छा, मतलब वीडियोस के बारे में, कैसी वीडियोस है, क्या क्या है, वो चीज़ें लिखने का आती है, मैं आपको कभी बताऊंगा इसके बारे में। फिर आगे बात आती है नीचे थर्ड में प्राइवेसी में पब्लिक, तो पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन आएगा, अनलिस्टेड, उसके बाद जो प्राइवेट, लेकिन हमको पब्लिक करना है क्योंकि लोगों के पास पहुंचाना है। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टॉप में राइट ही में जो ऊपर में देख सकते हैं राइट किनारे में टॉप में एरो का जो चिन्ह बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वीडियो जो है आपकी अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं बहुत फास्टली वीडियोज़ अपलोड हो रही है चैनल। उसके बाद ये वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो वीडियो आ गई है, अभी 11 सेकेंड पहले अपलोड की थी। तो चलिए मैं इसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो वीडियो अपलोड हो चुकी है और बिल्कुल मेरा चैनल भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको जो है पूरा कस्टमाइज़ करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ जो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और फिर आप भी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से ख़त्म कर लेते हैं।